जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए कुछ रेल अपडेट्स को लेकर। तो शुरू करते हैं आज की रेल अपडेट्स को। रेल न्यूज़, रेल अपडेट और रेल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल रेल दोस्त रोहित को सब्सक्राइब करें। साथ में अपडेट जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट करें। पहली अपडेट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर, जो रेलवे की तरफ से अनाउंस हो चुकी है। रेलवे ने NTPC एग्ज़ाम डेट पहले से ही अनाउंस कर चुकी है। अब रेलवे साथ के साथ ग्रुप डी एग्ज़ाम भी 23 फरवरी से कंडक्ट करवाने जा रही है। अगली अपडेट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर। इस कॉरिडोर के मारवाड़ से लेकर पालनपुर तक के 208 किलोमीटर के भाग पर पहली बार बिजली के इंजन से मालगाड़ी दौड़ाकर परीक्षण किया गया। अब इस कॉरिडोर के रेवाड़ी से पालनपुर तक के हिस्से पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ भी आवागमन होगा। अगली अपडेट ईस्ट कोस्ट जोन के संबलपुर डिवीजन से। संबलपुर और हीराकुंड रेलवे स्टेशन के मध्य डबलिंग के चलते नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन और रद्द किया जा रहा है। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तारीख तक ऐसा किया जा रहा है। अगली अपडेट इज्जत नगर डिवीजन से। मैलानी शाहगढ़ तक के गेज कन्वर्जन रेल लाइन को लेकर, जो बहुत समय से इंतजार हो रहा था कि इस रेल लाइन पर ट्रेन कब से शुरू होंगी। काफ़ी समय पहले से इस रेल लाइन को तैयार कर लिया गया था, स्पीड ट्रायल भी लिया जा चुका था, मगर छोटी मोटी अड़चनें आने के कारण कार्य में देरी होती रही। पर अब जाकर फाइनली इस रेल लाइन की कमीशनिंग डेट आ चुकी है। 27 और 28 दिसंबर को इस रेल लाइन का आखिरी निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद इस रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेनों की सर्विस शुरू हो सकेगी। अगली अपडेट काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। इस ट्रेन की अब बुकिंग करवाने की रिमोट लोकेशन बदलने जा रही है। इस ट्रेन में जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाते समय लोगों को जयपुर से चार्ट तैयार होने से पहले पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, मगर अब जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाते समय आप जोधपुर से ट्रेन चलने के आधा घंटे पहले ही ट्रेन की बुकिंग करवा सकेंगे। अगली अपडेट जोधपुर जैसलमेर पैसेंजर ट्रेन को लेकर। इस ट्रेन का समय सारणी में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 12 दिसंबर से ये ट्रेन अपनी नई समय सारणी के साथ चलेगी। जोधपुर से सुबह 6 बजे की बजाय 11 बजे चलेगी और जैसलमेर शाम 6 बजे 15 मिनट पर पहुंचेगी, और वापसी में जैसलमेर से दोपहर 2 बजे की बजाय सुबह 6 बजे रवाना होगी और जोधपुर दोपहर 1 बज के 15 मिनट पर पहुंचेगी। अगली अपडेट दो और ICF ट्रेनों को LHV डिब्बों में बदला जा रहा है। पहली ट्रेन 19601 और 02 न्यू जलपाईगुड़ी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का 28 दिसंबर से इस ट्रेन को उदयपुर से 20 LHB डिब्बों के साथ चलाया जाएगा और 20 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी से चलाया जाएगा। और दूसरी ट्रेन 19031 और 32 अहमदाबाद योगनगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस ट्रेन को अहमदाबाद से 16 दिसंबर को और ऋषिकेश से 17 दिसंबर को 21 LHB कोचों के साथ संचालित होगी। तो बस दोस्तों, अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।